हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक ऑफर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो पिछला वीडियो आपने प्रोस्पेक्टस के लिए देखा था, उस प्रोस्पेक्टस का ही आधार लेके पब्लिक ऑफर किया जाता है, तो इसीलिए आज का ये वीडियो पिछले वीडियो से कोरिलेट करने वाला है। सो पब्लिक ऑफर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। सो पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मेड टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रविवरण का आधार लेके या प्रविवरण के द्वारा हम जब पब्लिक को, सिक्योरिटीज को या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसे पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो पब्लिक ऑफर का अर्थ समझने के बाद अब हम देखेंगे कि पब्लिक ऑफर किन किन प्रारूपों में किया जा सकता है, उनके मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं काइंड्स ऑफ पब्लिक ऑफर क्या है। सो यहाँ पर तीन टाइप में हम पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहला है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकंड है FPO, फर्दर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर। और थर्ड कहा गया है ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो यहाँ पे बात की है, ये जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे या हम इन तीनों पॉइंट में पब्लिक को जो ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही देते हैं। लेकिन ये जो दो टाइप है, ये प्योरली यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस ही कहा जाता है जो ऑफर देते हैं उस प्रलेख को, उस डॉक्यूमेंट को। लेकिन ये जो तीसरा टाइप है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा जब सिक्योरिटीज को मतलब जिसको ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं, वो करने के लिए जब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो वो डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस होता है। उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, पूरा वीडियो देखिएगा। थर्ड पॉइंट जब मैं आपको समझाऊंगी तो वो आपको समझ आएगा वहां पे कि उसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है। ओके, लेकिन जो IPO और FPO है, ये प्योरली प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही किए जाते हैं, प्रॉस्पेक्टस के द्वारा ही जनता को आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ भी किस प्रकार का वो नाम है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे, लेकिन शुरुआत हम फर्स्ट पॉइंट से करेंगे, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर से। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, तो जब मतलब इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद कैपिटल बिल्ड करने के लिए जब सबसे पहली बार अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा, मतलब फर्स्ट टाइम अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा जनता को शेयर खरीदने के लिए आह्वान किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, उसे IPO कहते हैं। सेकेंड, अब IPO को ही दो प्रकार में मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या हुआ कि जिसमें हम ये बोलेंगे कि जनता को आमंत्रित किया है पहली बार, और वो भी अनलिस्टेड कंपनी ने। सेकेंड, इसमें हम ये बोलेंगे कि जो प्रमोटर्स है और प्रमोटर का जो स्टेक है या उनकी जो होल्डिंग है हमारे शेयर कैपिटल में, सो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है शेयर कैपिटल की या शेयर्स की जो होल्डिंग है वो पब्लिक को बेचना चाहते हैं, लेकिन वो भी प्रक्रिया पहली बार हो रही है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO कहते हैं। ये जो IPO प्रोसेस है, ये लिस्टिंग की और ट्रेडिंग की जो प्रोसेस की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो कहलाती है। और इसके आधार पे पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जनता को आमंत्रित किया जाता है, एक तो प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स या तो अपने स्टेक बेचना चाहे या अपना होल्डिंग या अपना हिस्सा बेचना चाहते होंगे पब्लिक को पहली बार, तो भी वो IPO कहलाता है। या अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स अगर बेचना चाहती है तो वो भी IPO कहलाती है, जब वे पहली बार बेचते हैं अपने शेयर्स या पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही है। हम बेचना यहाँ पे शब्द ये यूज में लाने से मैं बोलूंगी कि पहली बार जब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है वो IPO कहलाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है FPO, फर्दर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है, फर्दर और फॉलो अप। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद, मतलब ये IPO की प्रक्रिया पहली हो चुकी है, इसके बाद या तो लिस्टेड कंपनी, अब याद रखिएगा यहाँ पे था अनलिस्टेड और FPO में अब वो कंपनी हो चुकी है लिस्टेड कंपनी की यहाँ बात करेंगे कि IPO के बाद जब लिस्टेड कंपनी, मतलब IPO के बाद कभी भी अगर लिस्टेड कंपनी अब
अपने शेयर्स को बेचना चाहती है और उसके लिए पब्लिक को आह्वानित करना चाहती है तो वो FPO कहलाता है, फर्दर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहलाता है। इसके अलावा सेकेंड टाइप हम ये देखेंगे कि अगर प्रमोटर्स अपने जो होल्डिंग्स है शेयर के, वो होल्डिंग्स अगर बेचना चाहते हैं तो उस समय भी जब IPO के बाद, मतलब IPO हो चुका है पहली बार, IPO के बाद जब उसके किसी भी समय, मतलब IPO के बाद किसी भी समय जब जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर अगर बेचना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग्स अगर बेचना चाहते हैं और उसके लिए अगर पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं तो वो ऑफर कहलाता है FPO, या जिसको हम फर्दर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहते हैं। सो ये यहाँ पे हमने IPO और FPO देखा, और ये जो दोनों प्रोसेस है इसमें पब्लिक को ऑफर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट होता है प्रॉस्पेक्टस, जिसको हम माहिती पत्रक या प्रविवरण कहते हैं। सो अब यहाँ पे IPO और FPO समझने के बाद ये जो तीसरी टर्म यहाँ लिखी हुई है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ध्यान रखिएगा मैंने IPO और FPO में जो सेकेंड टर्म आपको दोनों इसमें बताई है वो सेकेंड टर्म में मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वहां पे वर्ड यूज नहीं किया था, प्रमोटर्स वर्ड यूज किया था। तो ये जो टर्म है ये इसमें मिलाने की भूल ना करें। ये जो तीसरी यहाँ पे बात बताई है ये थोड़ी अलग है, क्या कह रहे हैं कि ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा पब्लिक को उनकी जो होल्डिंग है वो खरीदने के लिए ऑफर दी जा रही है, उस समय भी प्रॉस्पेक्टस उपयोग में लाया जाता है, लेकिन उस प्रॉस्पेक्टस को जो कहा जाता है, जो शब्द कहा जाता है वो होता है ऑफर फॉर सेल। ये डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस जैसा ही होता है, लीगल टर्म्स में उसको डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ड है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लीगल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स इस ऑफर फॉर सेल को कभी कभी प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, ये भी नाम याद में रखिएगा। और मैक्सिमम चांसेस मीन्स 99%, अब हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम MCQ वाली एग्जाम के लिए आपका टाइम टेबल भी आ चुका है ऑलरेडी। सो उस ऑनलाइन एग्जाम में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है, वहां तो आपको एक MCQ टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, एक लाइन दी हुई होगी और उसमें चार ऑप्शंस होंगे, तो ये ऐसे प्रकार के जो, या ऐसे प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो याद में रखना है आपको कि जब ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस प्रकार से जब ऑफर दी जा रही है तो वहां पे जो प्रॉस्पेक्टस यूज किया जाता है उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं, लीगल टर्म्स में ये डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस होता है, और कभी कभी लीगल एक्सपर्ट्स इसे प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो अब ये जो थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बेचना चाह रहे हैं, और उसको बेचने के लिए वो जनता को जब ऑफर करेंगे तो ऑफर फॉर सेल उस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा, या प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन कहा जाता है, और ये लीगल टर्म है, लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स को आपको याद में रखना है। सो मैंने पहले आपको कहा था कि जो IPO और FPO है ये प्योरली प्रॉस्पेक्टस के द्वारा या प्रॉस्पेक्टस के थ्रू किया जाता है पब्लिक को, और जो थर्ड यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन या डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस जो ऑफर फॉर सेल है उसके माध्यम से किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पब्लिक ऑफर का मीनिंग समझाया, और पब्लिक ऑफर के जो अलग अलग प्रारूप है, टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑफर है, जिसमें IPO, FPO और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा
ऑफर फॉर सेल की जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। आई होप ये तीनों टर्म्स विथ मीनिंग आपको समझ आया होगा। थैंक यू।